दोस्तों, प्यार में पड़ते ही लोगों के मन में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन उठता है वो है दोस्तों, क्या सामने वाले भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं? क्या सामने वाले मुझे सच्चा प्यार करते हैं? तो क्या ये जाना जा सकता है कि सामने वाले मुझे कितना प्यार करते हैं या सच्चा प्यार करते हैं या नहीं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बात आपको बताऊंगी कि कैसे जाना जा सकता है, जी हाँ दोस्तों, जाना जा सकता है कि सामने वाला आपको कितना प्यार करता है या करती है, या फिर सच्चा प्यार करती है या नहीं। तो आज की इस वीडियो में जो भी मैं बताई उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है? और मैं 7 पॉइंट बताई हूँ, इसको ज़रा अपने पार्टनर के ऊपर नोटिस करना। अगर 3-4 भी मिल जाए तो आप श्योर हो जाना कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, आपको देखते ही वो खुश हो जाता है, मतलब क्या प्योर हैप्पीनेस। आपको देखते ही उनके चेहरे पे एक बहुत ही सुंदर सा स्माइल खिल जाता है और वो अंदर ही अंदर खुश होता है। ये आपको फील करना पड़ेगा, उसकी जो प्योर हैप्पीनेस है वो क्या आपको देखते ही हो जाता है? अगर अगर आंसर हाँ है तो डेफिनेटली वो आपको सच्चा प्यार करता है। दूसरा है दोस्तों, उसकी बातों को ज़रा गौर करना, क्या वो मेरी ये चीज़, मेरी या तुम्हारी ऐसे बात करती है या फिर हमारी ऐसे बात करती है कि हमारा घर होगा या हमारा फ्यूचर होगा या हम फ्यूचर में क्या करेंगे, ये हम बोलते हैं, मतलब आपको और उसको जोड़ के क्या हम से बोलते हैं या फिर मैं तुम अलग अलग इससे इस टाइप से बोलते हैं, इसको भी आप थोड़ा नोटिस करना। अगर वो हम यूज़ करते हैं, मतलब कि वी, यू या आई नहीं वी, अगर वो यूज़ करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको अपना मान चुका है या चुकी है, ठीक है? तीसरा है दोस्तों, आपकी खुशी उसको ज़्यादा पसंद होगी, मतलब क्या अगर आप कुछ बोलोगे तो अगर उसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं भी होगा तो भी वो करने के लिए राजी होगा। सपोज़ कीजिए कहीं आप लोग घूमने जाने वाले हो, अब उसको बाइक में जाना पसंद है, आपको कार में जाना पसंद है, तो वो बोलेगी कि ठीक है तुम्हें पसंद है तो ठीक है तुम्हारी पसंद है, मतलब आपकी पसंद को प्रायोरिटी देगी। अगर वो ऐसी करती है या करता है तो फिर वो आपसे डेफिनेटली ज़्यादा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है? चौथा है दोस्तों, आपके बारे में किसी के साथ ना बुरा बोलती है ना बुरा सुनती है। अगर फ्रेंड्स लोगों में कोई आपके बारे में कुछ बोलती भी है तो वो तुरंत प्रोटेस्ट करता है। अगर ये ऐसा है तो वो आपको सच्चा प्यार करती है, आप श्योर हो जाइए, क्योंकि वो आपके बारे में बुरा नहीं बोल सकती ना ही सुन सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा एक साइन है, अगर वो ऐसा करती है या करता है तो आप श्योर हो जाइए वो आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं। दोस्तों, पांचवी जो पॉइंट है दोस्तों वो है केयर करना। दोस्तों, प्यार अलग चीज़ है, केयर अलग चीज़ है। केयर मतलब फिक्र, आपका अगर फिक्र करता है वो या करती है वो, ठीक है, तो मान लीजिएगा वो आपसे सच्चा प्यार ज़रूर करते हैं, क्योंकि केयर बिल्कुल ही दिल से आता है, दिमाग से नहीं। तो अगर वो आपका फिक्र करता है, आपका चिंता करता है या आपकी फिक्र करती है, ये लड़का लड़की ये जो 7 पॉइंट्स में बताए ना, दोनों के लिए ही समान कारीगर है। तो अगर आप लड़के सुन रहे हो अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर आजमा सकते हो, और अगर आप लड़की सुन रहे हो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर आजमा सकते हो, ठीक है? तो जो बोल रही थी कि अगर वो केयर करती है, आपका फिक्र करती है, तो आप डेफिनेटली श्योर हो जाइए कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है? अब जो 6ठी पॉइंट है दोस्तों वो है आपकी गलतियों को हल्के में लेना। दोस्तों, वैसे तो देखिए गलती सबसे होते हैं, गलती किससे नहीं होते हैं, और इंसान मात्र ही गलती करते हैं, लेकिन जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपके हर गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा। जैसे मान लीजिए आप एक माँ हो, आप अपने बच्चे की गलती नज़रअंदाज करते हो ना, जैसे आप एक बच्चे हो, आपकी गलतियाँ आपके माँ पापा नज़रअंदाज करते हैं ना, ऐसे ही दोस्तों जो आपसे सच्चा प्यार करेगा, दिल से आपको अपना समझेगा, वो आपको गलतियों को इतना बड़ा चरा के नहीं देखेगा। लेकिन जो आपसे दिमाग से रिश्ता जोड़े है, जो आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, वो आपके गलतियों को बड़ा करके देखेगा। तो ये बहुत बड़ा साइन है, अगर आपकी गलतियों को वो हल्के में ले रही है तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड है, आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है? और 7वीं जो पॉइंट है दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये है दोस्तों रिस्पेक्ट करना। दोस्तों, प्यार
एक अलग चीज़ है। इसके साथ अगर आप कोई रिस्पेक्ट जोड़ दे तो वो बिल्कुल ही अलग चीज़ बन जाता है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट अगर वो करते हैं आपको, अब रिस्पेक्ट क्या है ये तो आपको फील करना पड़ेगा कि उसकी नज़र में क्या आपकी इज्जत है, वो आपकी कदर करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर करते हैं, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी आपसे मजाक नहीं करेगा, आपको कभी चिढ़ाएगा नहीं, ये सब नहीं, मजाक करेगा आपको चिढ़ाएगा भी, लेकिन वो अगर अंदर ही अंदर आपको रिस्पेक्ट करते हैं तो ये भी फील किया जा सकता है। तो आप ये फील करना कि आपको वो रिस्पेक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो आप श्योर हो जाइए आप दोनों में बिल्कुल ही सच्चा प्यार है, वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। तो एक बार मैं समर आप कर देती हूँ। पहला है प्योर हैप्पीनेस, मतलब आपको देखते ही बिल्कुल ही अंदर से खुश हो जाना। दूसरा है मैं तुम, मतलब क्या आई यू, इन शब्दों से ज़्यादा वो उई, मतलब कि हम, ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीन है आपकी खुशी, आपकी पसंद, उसको ज़्यादा पसंद। चौथा है आपके बारे में ना बुरा बोलती है ना बुरा सुनती है। पांचवा है आपको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं। सिक्स है आपके गलतियों को हल्के में लेते हैं। और सेवन्थ है दोस्तों आपको रेस्पेक्ट करता है। तो ये सातों पॉइंट आप ज़रूर चेक करना, अगर इसमें से दो तीन भी मिल जाए तो वो आपको सच्चे प्यार करते हैं या करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे वीडियोस मैं रोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ इस चैनल में। तो अगर आपको सारी सबसे पहले चाहिए तो आप चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।